वेलकम टू गाइस माय न्यू ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं काशीपुर, काशीपुर के द्रोणा सागर। ये चीती मोड़ से आगे द्रोणा सागर है। काफ़ी बहुत बड़ी जगह है। यहां मंदिर भी और घूमने के लिए भी जगह अच्छी है और काफ़ी लोग यहां आते जाते रहते हैं। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अभी आपको दिखाते हैं द्रोणा सागर पूरा आपको दिखा। दोस्तों आप देख सकते हो इस टाइम हम द्रोणा सागर के अंदर हैं और ये है सागर जो काफ़ी प्रसिद्ध और पुराना सागर है। और बाकी आप देख सकते हो काफ़ी प्राचीन है। और इस टाइम हम आगे आपको घुमाते हैं। यहाँ काफ़ी लोग जॉगिंग के लिए भी आते हैं सुबह शाम। और ये पुराने मंदिर हैं, काफ़ी पुराने हैं। यहाँ पे बहुत श्रद्धालु आते जाते रहते हैं और आप देख सकते हो यहाँ लोग घूमने फिरने के लिए भी आते रहते हैं। आप देख सकते हो रुकने का स्थान भी है यहाँ। और आप देखो ये कितना पुराना पेड़ है और मंदिर भी काफी पुराना है द्रोणा सागर के टाइम का। आप देख सकते हो कितनी प्यारी जगह है, यहाँ काफी लोग आते जाते रहते हैं। और ये बच्चे स्कूल से शायद छुट्टी है घूमने फिरने के लिए आए हैं। और यहाँ ज़्यादातर जॉगिंग के लिए सुबह शाम बहुत आते जाते रहते हैं घूमने के लिए। आप मंदिर है यहाँ का द्रोणा सागर का अंदर का जय। यहाँ जो ये औरतें जॉगिंग के लिए आई हैं घूमने फिरने के लिए। और आगे जो भी दो तीन आदमी चार आदमी बैठे हैं टाइम पास के लिए। और ये स्कूल के लड़के यहाँ घूमने फिरने के लिए आए हैं। और ये भाई साहब हमारे जॉगिंग कर रहे हैं। काफ़ी मतलब यहाँ भीड़ रहती है, सुबह शाम लोग आते जाते रहते हैं घूमने फिरने के लिए। बहुत अच्छी जगह है द्रोणा सागर काशीपुर उत्तराखंड में जिला उधम सिंह नगर। काफ़ी मशहूर जगह है। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कितनी प्यारी जगह है। बहुत ठंडी जगह, पेड़ पौधे बहुत हैं यहाँ। और यहाँ शाम को अक्सर काफ़ी भीड़ रहती है और काफ़ी घूमने फिरने के लिए लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ मंदिर भी काफ़ी हैं और ज़्यादातर बहुत अच्छी प्यारी जगह है। वैसे आप भी आइए घूमने के लिए, कभी भी आप काशीपुर उत्तराखंड में आते हो तो यहाँ घूमने के लिए ज़रूर आओ। और आप देख सकते हो मेरे पीछे ये श्री राम जी का स्थान है, इनका मंदिर है। और आप ये देखो बजरंगबली, काली माता और विष्णु भगवान जी का फोटो है पीछे। और द्रोणा सागर तो बहुत प्यारी जगह लग रही है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मतलब मैं पहले आया नहीं था। मैंने सुना तो था बहुत प्यारी जगह है, पर आज मैंने देख भी लिया कितनी प्यारी जगह है। हाँ प्राचीन मंदिर, यहाँ लिख भी एक जगह पे लिख भी रहा है शिव जी का प्राचीन मंदिर। दोस्तों यहाँ लिख भी रहा है प्राचीन मंदिर शिव का। पेड़ पौधे बहुत हैं मेन जी, यहाँ इतने पेड़ पौधे हैं, बहुत बहुत प्यारी जगह लग रही है। यहाँ आप देख सकते हो ये पुराना पेड़ है जो मतलब नीचे को ढल गया था, गिरने वाला था। इसके नीचे एक लकड़ी का लट्ठा लगा रखा है। यहाँ एक बोट लगा हुआ है और आम का बगीचा है। यहाँ पीछे भी बोट लगा पड़ा कि यहाँ आम ना तोड़े। और आपको तो देखने से पता लग रहा है कितनी प्यारी जगह है ये द्रोणा सागर। द्रोणा
आचार्य जी के ऊपर बना हुआ है इस चीज का तो हमें पता नहीं है, पर बहुत प्यारी जगह है। पर ज्यादातर लोग यहाँ जॉगिंग के लिए आते हैं, जो आप देख सकते हो जगह जगह पर लोग मिलते रहते हैं यहाँ जॉगिंग के लिए। और यहाँ काफी एक गोल घेरा बना हुआ है, लगभग 600 मीटर का है, 600 या 800 मीटर बोल सकते हो आप। मतलब जॉगिंग के लिए बहुत अच्छी जगह बनी हुई है जहाँ जॉगिंग कर सकते हैं। देखो आप, एक बुजुर्ग आ रहा है रास्ते से, वो भी जॉगिंग कर रहे हैं। और साफ सफाई यहाँ होती रहती है, वैसे सागर में तो अभी साफ सफाई नहीं है, वैसे यहाँ साफ सफाई काफी होती रहती है। आप देख सकते हो एक महिला यहाँ भी साफ सफाई कर रहे हैं। आपको और आगे लेके चलते हैं, घूमने फिरने के लिए काफी लोग आते जाते रहते हैं। आप देख सकते हो स्कूल की छुट्टी के बाद लड़के आए हैं घूमने, मतलब इन्हें भी बहुत प्यारी जगह लगती है घूमने फिरने के लिए, तो यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। तो आप देख सकते हो वीडियो में तो कितनी प्यारी जगह लग रही है। आप सब पूछ पाओगे तो उत्तराखंड काशीपुर में द्रोणा सागर में, तो आपको पता लग जाएगा ये कितनी प्यारी जगह है। साइड में काफी झाड़ झूड़ ये गंदगी सी हो रही है, पर वो एरिया से बाहर है, एरिया के अंदर तो काफी सफाई होती जाती रहती है। शाम को यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाएगी 6 बजे के बाद, या संडे के दिन भी काफ़ी रहती है, क्योंकि यह प्रसिद्ध जगह है, काफ़ी यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। आप देख सकते हो सामने एक औरत भी जॉगिंग के लिए, एक आदमी, काफ़ी देर से मैंने इनका दूसरा तीसरा चक्कर देख लिया लगाते हुए घूमते हुए, बहुत लोग आते हैं जॉगिंग के लिए यहाँ। आप देख सकते हो ये सरदार जी भी जॉगिंग के लिए आ रहे जा रहे हैं, ये गुरु जी बैठे हैं, एक लड़का बैठा है चैटिंग कर लिए करने के लिए। हम ये तो बोल नहीं सकते ये लौंडिया से बात कर रहा है क्या कर रहा है, पर बैठा है चैटिंग कर रहा है। और आप देख सकते हो द्रोणा सागर काशीपुर, ये एक द्रोणा सागर काशीपुर का एक बोर्ड लगा हुआ है, आप बोर्ड देख सकते हो। यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं साफ सफाई कर्मचारी, और कुछ लोग वैसे ही घूमने फिरने के लिए जो आए हुए हैं। आपस में कोई किसी बात की बकचोदी कर रहे हैं कि कुछ है। वही जाता है आपस में झगड़ा कोई भी, अब हमें तो पता नहीं किस चीज़ की बकचोदी कर रहे हैं, पर लगे हुए हैं एक दूसरे को गाली देने। आप द्रोणा सागर तो देख सकते हो, इस टाइम साफ सफाई तो है नहीं, काफ़ी टाइम से साफ सफाई नहीं है मैंने सुना अंदर, पर वह बाहर की साफ सफाई बहुत है, मतलब तालाब के अंदर नहीं है। ये देखो एक माँ, एक लौंडा बात कर रहा है, ये महाशय पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, पर ये तो पता नहीं है, पर लगे हुए हैं बैठे हुए बेचारे। दो लड़के ये बैठे हैं अपना टाइम पास करने के लिए, शायद लूडो खेल रहे हैं या क्या कह रहे हैं, एक और गिट्टी वाला गेम होता है। पर लोग यहाँ आके टाइम पास कर रहे हैं, घूमने फिरने की भी बहुत प्यारी जगह है दोस्तों, आप भी आओ ज़रूर, एक बार देखना चाहिए आपको भी द्रोणा सागर। दोस्तों आपको तो द्रोणा सागर हमने पूरा दिखा दिया, आगे थोड़ी सी जगह बची है, एक चक्कर तो आपको भी हमने पूरा लगवा दिया,
ये द्रोणा सागर कैसा लगा वीडियो में बताना कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।